हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा चौथी की कविता पढ़ेंगे, हिंदी की कौन। ठीक है, तो उससे पहले आप इसे जानते हैं? यस, ये कौन है? चूहा। ठीक है, देखो चूहे की अलग अलग तस्वीरें मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। ठीक है, जैसे हमारे घर में चूहा नुकसान करता है, कहीं पे भी एकदम छोटी छोटी जगह में छुप जाता है। देखो यहाँ पे इस तस्वीर में तो पूरी दालें उन्होंने बिखेर के रखी है। ठीक है, हम कोई भी चीज़ रखें तो उन्हें वो कुतर देते हैं। ऐसे ही हमारे घर में भी चूहा चलता है, अगर प्लेट में ऐसे खाना रह गया तो उसे वो कुतरता रहता है। ठीक है, आपने ये कहानी सुनी है? चलो पहले ना हम कहानी सुनते हैं। तो एक जंगल था, जंगल में एक शेर सो रहा था, और शेर सो रहा था ये देखकर चूहे ने शैतानी करने की सोची और वो उसके शरीर पर नाचने लगा, खेलने लगा। उतने में शेर की नींद टूट गई और शेर को गुस्सा आ गया। फिर शेर ने उसके पंजे में चूहे को पकड़ा और बोला, तूने मेरी नींद खराब कर दी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो फिर चूहे ने शेर को कहा कि नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके किसी न किसी दिन मैं काम आ जाऊंगा। फिर शेर हंसता है और बोलता है, हा हा हा, तू और मेरे काम आएगा, ठीक है देखते हैं। और फिर शेर चूहे को छोड़ देता है। फिर एक दिन शेर जंगल में घूम रहा होता है, उतने में वो एक शिकारी की जाल में फंस जाता है और वो जोर जोर से दहाड़ने लगता है। शेर के दहाड़ने की आवाज़ चूहा सुनता है और फिर चूहा तुरंत उसके पास आकर वो जाल कुतरने लगता है। वो शेर को बोलता है, महाराज आप चिंता ना करें, मैं इससे आपको आज़ाद करूँगा। चूहा अपने छोटे छोटे दांतों से वो पूरा जाल कुतर देता है और शेर को आज़ाद कर देता है। उस समय से शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमारी शक्ति का गर्व नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपको पता है आपकी जो कविता है कौन, उससे ये कहानी क्यों रिलेट करती है, उससे और इसमें क्या संबंध है? तो उसमें भी जो आपकी कविता है उसमें जो बात कही गई है वो किसी जीव की है जो हमेशा कुतरता रहता है, और यहाँ पे भी वही जीव है जो हमेशा शैतानी कर रहा था और एक वक्त आया कि उसने शेर की मदद भी की, किसे? जाल कुतर कर। ठीक है, तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कविता कौन। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने, कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता चिप चिप कोने, रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है दाता,
बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो हम ये कविता जो है वो लिखी है सोहन लाल द्विवेदी जी ने, ठीक है। तो हमने इसे पूरा पढ़ा है, रीड किया है, हम इसको रिदम में बोलना सीखेंगे, ताल और सुर में, ठीक है। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया। कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। रोज टांगदा धो धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता चिप चिप कोने। खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता चिप चिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है दाता। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है दाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो बच्चों हमने इस पोयम को, इस कविता को तल्लाय से, जैसे ताल सुर से भी गाना सीखा है, इसके आप प्रैक्टिस करिए और इसे पाठ कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम ना पूरे एक एक लाइन का मीनिंग समझते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, मतलब किसने हमारे बटन कुतरे, जैसे शर्ट के बटन, किसी बैग के बटन, वो किसने कुतरे हैं। किसने स्याही को बिखराया, जैसे देखो अभी तो पेन, जो पेन है वो बॉल पेन में आते हैं, बट जो स्याही वाले पेन होते हैं, इंक वाले पेन होते हैं, उसमें उसकी जो इंक आती है, जो स्याही आती है, वो एक डब्बी में भर के आती है। तो कौन उसको बिखराता है, कौन उस डब्बे को गिरा देता है। कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। तो दुबक कर मतलब जो ऐसे दुबक कर मतलब चुप कर। कौन चुप कर सब कुछ चट कर जाता है, कौन घर भर में पूरा अनाज बिखराता है। बिखराता मतलब फैलाता है। दोना खाली रखा रह गया, दोना मतलब एक कटोरी, दोना खाली रखा रह गया। कौन ले गया उठा मिठाई, उसमें जो मिठाई थी वो कौन ले गया है। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। तस्वीर के दो टुकड़े हो गए, जिस रस्सी पे तस्वीर टंगी थी वो किसने काटी। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। कभी चप्पल कुतरता है तो कभी जूता कुतर देता है। कभी खलीता पर बनाती है, खलीता मतलब जो पत्र होते हैं, या फिर जो खलीता होता है, जो पॉकेट होता है जिसमें हम पैसे
डालकर किसी को भेंट देते हैं। तो कभी खलिता पर भी बनाती है, मतलब कभी खलिता भी कुतर देता है और उसमें से पैसे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। पोथी मतलब एक बड़ी किताब, ठीक है। तो किसने उसके जिल्द मतलब उसका जो कवर होता है वो किसने काट डाला है, और उसको कवर को काटने से वो क्या हो गई है, पूरी बिखर गई है, मतलब पूरे पोथी के पन्ने इधर उधर हो गए हैं। रोज टांगता धो धोकर मैं रोज धो धोकर छन्ने टांगता हूँ, कौन उठा ले जाता है। छन्ने मतलब जो छानने वाले कपड़े होते हैं, जैसे दूध हो गया या छाछ हो गई, जिस कपड़े से या जिस छन्ने से हम छानते हैं उसे छन्ना बोलते हैं, ठीक है, छानने वाली चीज़ है। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, सारे कागज कुतर देता है और पूरा घर रद्दी बना देता है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता, कौन है ये कबाड़ी जो पूरे घर में पूरे दुनिया का कूड़ा भर के जाता है। कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, रोज रात भर इधर से उधर उधर से इधर दबागता रहता है, गड़बड़ करता है और हमें बिल्कुल सोने नहीं देता है। खुरखुर करता इधर उधर है, खुरखुर मतलब जैसे जैसे ही वो किसी चीज़ के सामने से किसी चीज़ के पीछे से चूहा जाता है तो वहाँ पे आवाज़ होती है। ढूंढा करता चिप चिप कोने, हमेशा किसी किसी कोने में चिप चिप कर कोने ढूंढता रहता है और वहाँ पे छुपता रहता है। रोज रात भर जगता रहता, रोज रात भर क्या करता है, जगता रहता है, खुरखुर करता है, इधर उधर धाता है मतलब भागता है। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता, तो बच्चों उसका नाम क्या है कि वो ये शरारत कौन करता है, बिल्कुल सही, तो ये शरारत कौन करता है, चूहा। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होंगी। आप इसको जैसे मैंने पढ़ाया वैसे उनके जो ताल और लय है उसके साथ आप गाएंगे तो पोएम जल्दी से लर्न भी हो जाएगी। तो इस वीडियो में और एक चीज़ हम देख लेते हैं, वो है तुक वाले शब्द। तुक वाले शब्द मतलब राइमिंग वर्ड। तो कौन कौन से तुक वाले शब्द हैं, तो देखो, जैसे मिठाई बहाई, ये दोनों शब्द क्या है, राइमिंग वर्ड है। उसके बाद पन्ने छन्ने, ये भी क्या है, राइमिंग वर्ड है। उसके बाद सोने कोने, ठीक है, धाता जाता, ये क्या है, सारे राइमिंग वर्ड्स है। तो बच्चों इस कविता के जो प्रश्न उत्तर है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको प्रश्न उत्तर चाहिए तो आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। तब तक के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।